देखो वहाँ पे लिखा हुआ है मन्नत सर लैंड्स एंड। मैंने ये सुना था कि इनमें ना वो लगे हुए हैं डायमंड्स, असली डायमंड है ये सच हाँ। में ये मेरी ख्वाहिश है कि तू साथ रहे, जाना क्या है अब आपका विचार। हे गाइस, अब हम आए थे मुंबई तो मैंने सोचा मुंबई भ्रमण तो करना बनता है, तो इसलिए मैंने हम ये राउंड राउंड लिफ्ट में भ्रमण कर रहे हैं बस ये भ्रमण हो गया हमारा खत्म और हम आगे बाहर और अब कैब करेंगे और फिर जाएंगे मुंबई दर्शन। मुंबई दर्शन के लिए आप मेरे को कहाँ लेके जा रहे हो? आपकी वो थी फरमाइश के सबसे पहले सिद्धि विनायक मंदिर था। सिद्धि विनायक मंदिर चलेंगे, आ जाइए। थैंक यू सर, थैंक यू। आफ्टर यू, आप बैठो। अरे मम्मी आप फोन पे बात करने में लगे हो, ये सीलिंग है। इधर देखो ये मुंबई फॉरेन नहीं लग रहा, इनको बात करने से फुर्सत नहीं है। एंजॉय करो भाई, सामने सीलिंग देखो कितना सुंदर है, क्या मस्त एकदम मुंबई शहर है। सर दोनों साइड समुद्र है और गणपति बप्पा मोरया। हम लोग पहुंच गए सिद्धि विनायक मंदिर और वैसे निश्चय तो बहुत बार आता है लेकिन आज मैंने कहा कि हम आए हैं तो गणपति बप्पा के दर्शन न किए तो फिर फायदा ही क्या मुंबई आने का। पहली बार जा रहा हूँ मैं भी सिद्धि विनायक मंदिर, वही तो कहा है कि 50वीं बार मुंबई आ रहा हूँ पर पहली बार। हो गए भाई दर्शन, हो गए। देखा मेरे आने का फायदा हुआ ना, इतना रश था हमें 2 घंटे लग गए और अब मंदिर भी इतना बड़ा है हमें ना पता ही नहीं चल रहा हमने अपनी चप्पल कहाँ उतारी थी। मुझे सिर्फ मेरी चप्पल चाहिए ताकि मैं जूते वूते पहन के हाथ धो के सारे मोदक लड्डू मैं खा सकूँ वही तो मिल नहीं रहा ना अभी हमें, हमारे शूज नहीं मिल रहे, समझ ही नहीं आ रही हम किधर से घुसे थे और किधर से निकले। बहुत बड़ा मंदिर है और रश भी बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा इसको शौक है मोदक खाने का भाई 2 घंटे लाइन में लग के परिश्रम करने का फल है ये। सही बात है, भगवान जी ने फल दिया ये। इतने टेस्टी लड्डू हैं मजा आ गया। मी yes. वो देखो क्या है, अंतालिया अंबानी जी का घर। हम जा रहे हैं मिलने उनसे। अंबानी जी से चले, बिल्कुल उनसे डीलिंग वीलिंग कर लें आपके यूट्यूब चैनल की, बिल्कुल पर अंबानी जी कह रहे होंगे ये मेरे घर के सामने ये बिल्डिंग किसने खड़ी कर दी, अभी खरीद के तोड़वाता हूँ इसे। माय गॉड, घर नहीं बनाया है, क्या ही बना रखा है, कुछ और ही है भाई। पर देखो हेलीकॉप्टर भी खड़ा हुआ है। नोनो गेटवे ऑफ इंडिया आ गया भाई, सामने देखो। तूने कभी देखा ये बता पहले? जी हाँ, मैं आया हुआ हूँ, आप ही के चैनल पे व्लॉग भी है, आपको तो याद नहीं होगा। होगा पहले पुराना गेटवे ऑफ इंडिया तो दिखा दो लोगों को। ये बादल देख कितने, बारिश भी आ रही है। उधर देखो होटल ताज, लोगों ने गंदगी फैला रखी अलग बात है बट वैसे ब्यूटी तो है, ब्यूटी तो इधर है, अपनी तरफ कर रहे हो, पीछे है मेरे ब्यूटी तो यहाँ है। ये ताज है तो ये भी उसी का हिस्सा है। ताज ये ताज है और ये नहीं, फिर तो टेक्निकली बड़ा भाई हुआ। वैसे मैं एक चीज बोल रहा था, ये जो अब गेटवे ऑफ इंडिया है ये तो हमारे वहाँ भी है, वो दिल्ली का है। दिल्ली का गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया आए हुए 5 मिनट भी नहीं हुए, खड़े होके बस निहार रहे हैं आसपास की चीजें और बारिश शुरू हो गई। मुंबई में तो जब से आए हैं बारिश ही बारिश। पर बारिश होती है ऐसी है, 1 मिनट बारिश होती है रुक जाती है, फिर 5 मिनट बाद बारिश होती है 1 मिनट के लिए फिर गई, अब शुरू हो गई है। देखो सबके छाते निकल गए, सबके पास छाते हैं। इधर काका भाग ले, भाग भी नहीं सकता, जीन गिर जाएगी। ये सब मुंबई वाले होंगे पता, जिनके पास छाते हैं। हाँ इनको एक्सपीरियंस है ना, हमारी तरह नहीं है ना। अरे तेज हो गई, बारिश हो रही है और फोटो सेशन, बारिश में फोटो सेशन। नोनू अगर यहाँ घूमना है ना तो छतरी ले लेते हैं, वहाँ मिल रही है 200 रुपए की वहाँ पे। अरे पर बारिश बहुत स्लो हो गई, रुक भी गई,
हम वापस आ गए ना, वापस आ गए, एक मिनट में बारिश हो के रुक भी गई। मुंबई भ्रमण तो तू करा रहा है, लेकिन ये भ्रमण तभी पूरा होगा जब हम यहाँ का बड़ा पाव, फेमस जो मुंबई स्पेशल बड़ा पाव खाने, और भेलपुरी, वो तो स्पेशल है ना, चौपाटी की भेलपुरी। भेलपुरी तो यही सामने, ये ले मेरे बोलते ही। सूखा भेल, गीला भेल, सूखा भेल, गीला भेल, गीली 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 गीला भेल, एक प्लेट गीला भेल। ये सूखा भेल और गीला भेल तो पता ही नहीं था। सूखी वो सिर्फ ऐसे ही दे देंगे मिक्स करके, उसमें फिर गीली वो जो चटनी डाल के देंगे। दो जी मैडम भेलपुरी, आप स्टार्ट करो, आप शौकीन हो। अच्छी है, अच्छी है। हाँ जी मैडम, फिर खाइए। अच्छी है ना, एकदम मिर्चीदार, स्पाइसी, बढ़िया। ओए होए होए, फूड ब्लॉगर। ये लो मैडम, साथ में लेमनेड भी। नाइस। अरे मैडम जल्दी खाओ, जल्दी करो, सुबह पनवेल तो नहीं निकलना है बट कहीं तो जाना ही होगा। अरे बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या? चलो फाइनली भेल तो खा लिया, अब ये चलते चलते पी लेना। ये ट्राई करना है मुंबई स्पेशल पानी पूरी। भाई पानी पूरी में छोले लगाता है, हमारे यहाँ नहीं लगाते छोले। करें ट्राई, करें ट्राई। एक प्लेट लगा दे भाई। कैसा है पानी पूरी? ये तो गरम है, छोले गरम गरम है। एक्चुअली कुछ अलग है, गोलगप्पे में छोले। आई लाइक इट, लाइक इट, यस, वेरी टेस्टी। हो गई मैडम पेट पूजा या कुछ रह गया है? हाँ, वहाँ पे फ्रूट सैलेड भी है, चाहिए? नहीं, मुंबई का स्पेशल बड़ा पाव। भैया ये क्या है? चना है, सींग है, चना जोर है, क्या चाहिए? सींग चना जोर कुछ खाओगे? नहीं, चना जोर गरम नहीं जी। क्या यार, बड़ा पाव तो नहीं मुझे लगता है यहाँ पे मिलेगा, बट बड़ा पाव के लिए कहीं और जाना पड़ेगा। मम्मी व्यू देखो, मरीन ड्राइव, यस, ये अच्छी जगह है ना बैठने की, मेडिटेशन कर ले बैठ के यहाँ। आए हो बैठ के, थोड़ी देर हवा खा लो मरीन ड्राइव की, आप भी आनंद ले लो। ये क्या है नीचे भाई, सारे पत्थर है क्या? ये मम्मी केजीएफ से जो कोयला बच गया था ये वो है। अच्छा, यहाँ छोड़ दिया था। ऑल राइट गाइज, तो मम्मी को पूरा मुंबई हमने ऑलमोस्ट घुमा ही दिया है, सारे के सारे जो जो फेमस जगहें हैं सिवाय एक के, और वो है ये, जो प्रोबेबली मुंबई की ना सबसे फेमस जगह है, एस आर के घर, मम्मी मन्नत। ये मैं ऐसे, मैं भी करता। अरे घर तो देख लो पीछे, पहले फोटो तो खिंचवा लेना, पहले ही फोटो खिंचवानी है। देखो वहाँ पे लिखा हुआ है मन्नत, इधर लैंड्स एंड। मैंने ये सुना था कि इनमें ना वो लगे हुए हैं डायमंड्स। ये देखो असली डायमंड है ये, सच हाँ, में सच में मैंने पढ़ा था कि इनमें डायमंड्स लगे हुए हैं। तो ये तो कोई चोरी करके ले जाएगा, यहाँ से दिख रहा है वो है, पर अभी अच्छा, क्योंकि रात हो गई है ना, हाँ। तो इसलिए लाइट वाइट्स ऑन नहीं है, पर मेरे को लग रहा है शाहरुख जो है ना वो जो ऊपर वाला कमरा है ना उसमें है। वेव करो, वेव करो, वो वेव कर रहे हैं। और देखो बिल्कुल सामने ही, सामने ही पूरा का पूरा समुद्र है, लेकिन अब रात हो गई है तो कुछ दिख नहीं रहा है। मम्मी यार लेट हो गए हम आते आते, इतना ट्रैफिक, शाहरुख अभी इतनी देर से आपके लिए वेट कर रहा था, अब वो चला गया। गाइज हम दिल्ली से मुंबई आया था शाहरुख भाई से मिलने, शाहरुख भाई तो मिला नहीं, अब वी गोइंग बैक। चलो भाई, शाहरुख भाई सी यू नेक्स्ट टाइम। शाहरुख भाई लग रहा है, शाहरुख भाई आ गए, शाहरुख भाई बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। क्या कूचे? कूचे से, कूचे क्या होता है? तुम्हारे रास्ते से, तुम्हारे घर से। बाय एसआर के, बाय।
फेंसिंग बहुत ऊंची है ना, इसलिए भी दिख नहीं रहा पीछे ना। हाँ तो सारे वो प्लांट वगैरह लगाए हुए। अरे वरना सब देखते रहेंगे घर के अंदर। हाँ लंगड़ना रात लंगड़ तेरे इश्क चचना।